ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਫੋਰਐਵਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੇਗੀ, ਹੋਪ ਜਾਗੇਗੀ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 25, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਫੋਰਐਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਗਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਟੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਸੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀ, ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਜੋ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਜੋ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਵਹੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਬਦਲਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਿਸਨੇ ਰਾਤੋਂ ਮੇਂ ਜੰਗ ਜੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਤੋਂ ਮੇਂ ਜੰਗ ਜੀਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਿਆ ਬਣਕਰ ਵਹੀ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ, ਸੂਰਿਆ ਬਣਕਰ ਵਹੀ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ। ਹੈਲਪ ਮੀ ਗੋ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ, ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਮਿਸਟਰ ਰੋਹਿਤ ਬਦਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿਤੇ ਹੋਏ ਮੁਝੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤਾ ਹੈ
कि आने वाले वक्त में आप सभी की भी लाइफ बदल जाएगी। मैं थैंक्स करना चाहता हूं अपने सीनियर्स का, परमात्मा का, पेरेंट्स का, मिस्टर मनदीप कंबोज जी, मिस्टर गुरमीत सिंह संधु जी, मिस्टर मिस्टर सतनाम सिंह जी, मिस्टर सुबेक सिंह जी, मिस्टर संदीप छावड़ा जी, इन सारे सीनियर्स का मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूं जिनके कारण आज मैं यहां पर पहुंच पाया। एंड लास्ट में थैंक्स करना चाहूंगा अपनी टीम का, अगर आप लोग मेरा साथ ना देते शायद आज रोहित गुप्ता यहां पर ना पहुंच पाता। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। मुझे फॉरएवर पर ट्रस्ट हो गया था, यकीन हो गया था कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से मेरे ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। बात सपनों की करते हैं आजकल ना, आजकल मैं देखता हूं लोग सपनों की तो बात करते ही नहीं है, इधर उधर की बहुत सारी बातें हो रही है, सपनों की बात नहीं हो रही। मुझे बोला जाता था पढ़ लिख, कॉलेज में जा, नौकरी कर, शादी कर, फिर क्या ऐसी मर जाए, कोई सपने नहीं, कोई देश के लिए कुछ ना करें, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना करें, पेरेंट्स के लिए कुछ ना करें। देखता हूं ड्रीम्स, समझ नहीं आता। आज यंगस्टर्स की बात करते हैं हम, यंगस्टर्स की, मैं यंगस्टर्स के ड्रीम्स देखता हूं, कहते हैं कॉलेज में जाएंगे साथी बनाएंगे, कॉलेज में जाएंगे साथी बनाएंगे, कभी इस कोने में कभी उस कोने में गले लगेंगे। सुनिए सुनिए, मैं भी गले लगना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी अपनी एक गाड़ी हो जिसकी छत खुले, मैं बाहर निकलूं और हवा के गले लगूं। गाइस, हम जो बीजते हैं वही काटते हैं, जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। बड़ा सोचेंगे बड़ा मिलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी एक बात बोलते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो रात को नींद नहीं आने देते। फैस बड़ा देखना शुरू करिए, आपको फेथ रखना होगा फॉरएवर पर, भरोसा रखना होगा। मुझे फेथ था फॉरएवर पर, अपने आप पर, कि यस मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं इस प्लेटफॉर्म से। बहुत सारे लोगों ने मेरे इस फेथ को तोड़ने की बहुत कोशिश की, आपके साथ भी होगा, कईयों के साथ होता है। बहुत सारी बातें बोली जाती हैं इस भरोसे को तोड़ने के लिए। मुझे अभी भी याद है मेरे कई दोस्त ऐसी बातें बोलते थे, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ऐसा होता है, इसमें कुछ नहीं बनता। दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा, उन सभी को जवाब देना चाहूंगा, इस दुनिया में हर जाति में, हर धर्म, हर मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। एक घर में दो भाई हैं, एक भाई अच्छा है, दूसरा भाई गंदा हो सकता है, तो भैया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में भी ऐसा ही होता है। एंड इस मंच से एक बात बोलना चाहूंगा, इस दुनिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। लेकिन कईयों को यह बात समझ में नहीं आती, पता आपको, मुझे अभी भी वो दिन याद है, मैं अपने दोस्तों को प्रेजेंटेशन देने के लिए गया, हम सब बैठे हुए थे वहां पर टेबल पर, तो मेरे दोस्तों को मैंने प्रेजेंटेशन कही, एक दोस्त ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, ऐसा होता है क्या, कईयों के साथ हुआ है, यस होता है, एक दोस्त ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया, मैं चाहता तो वहां टूट सकता था, लेकिन मुझे भरोसा था अपने आप पर और फॉरएवर पर। मैंने उसी टेबल को ठोककर, उसी टेबल को ठोककर उसको एक बात बोली कि आने वाले वक्त में इतनी मेहनत करेंगे कि तेरा बेटा आएगा एक दिन तेरे पास एक फोटो लेकर, कहेगा पापा मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं, फोटो मेरी होगी, फोटो मेरी होगी। मैं इस मंच से एक बात बोलना चाहता हूं, 6-7 साल का करियर है फॉरएवर का, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे प्लान, डेली हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, हजारों लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, बातें करते हैं, अलग अलग तरह के प्लान बताते हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में जान नहीं है। हर एक इंसान एक ही बात बोलेगी, बेस्ट प्रोडक्ट है तो फॉरएवर के पास है। बहुत सारे कंपनी वाले ना आगे प्लान लगाते हैं, सर हमारी कंपनी में आ जाओ, अपने अपने मार्केटिंग डेज लगाते हैं, बाद में कैलकुलेशन के बाद उनके पास जवाब नहीं होता,
एंड माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया का मोस्ट जेन्युइन एंड जेनरस प्लान वो हमारे पास है, फॉरएवर के पास है। आपको मान महसूस होना चाहिए कि हम इतनी अच्छी कंपनी के पास हैं। अलग अलग तरह के चैलेंजेस भी आते हैं। देखो, ये जरूरी नहीं कि बाहर वाले ही अकेले चैलेंजेस पेश करते हैं, कई बार घर से भी आते हैं। यहां पर कुछ लोग हैं जिनको घर वाले नहीं अलाउ कर रहे हैं, क्या बहुत थोड़े हैं। मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे। मुझे अभी भी वो दिन याद है, मैं असिस्टेंट मैनेजर बना जनवरी 2013 में। मैं असिस्टेंट मैनेजर बनकर मोहाली में क्लोजिंग करके फिरोजपुर पहुंचता हूं, तो मोहाली से फिरोजपुर का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। एंड जब मैं फिरोजपुर पहुंचा, लेट हो गए थे रात को, घर वालों ने बोला कि रोहित ये काम हमने नहीं करना, तू रात को लेट आता है, सदा। देखिए, वो मुझसे प्यार करते थे इसलिए वो मुझे ये काम करने नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैं उनसे ज्यादा प्यार करता था इसलिए मैं फॉरएवर करना चाहता था। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सारी बातें बोली, मेरे ना रिश्तेदार मेरे घर वालों के दिमाग में कुछ भर देते थे। आपके भी रिश्तेदार ऐसे होंगे जो दिमाग में कुछ भर देते हैं, है कि नहीं है? बहुत सारी बातें, हमने दुनिया देखी है, हमने ये करा है, वो करा है। अरे उनको एक जवाब देना चाहूंगा, कहते हैं इस दुनिया में 90% लोग दुनिया देखने के लिए आते हैं, 10% लोग दुनिया को दिखाने के लिए आते हैं। हम दुनिया देखने नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए आए हैं। गाइस, असिस्टेंट मैनेजर बना, अप्रैल में मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। एक ड्रीम लेवल होता है, यहां पर बैठे हर एक का सपना होगा कि जल्दी जल्दी मैनेजर बने। मई में मेरा चेक 56,000 का था, मई 2013 की मैं बात कर रहा हूं, जून 2013, 22 जून, 22 जून आने वाली है अभी, मेरा जन्मदिन होता है उस दिन, 22 जून 2013। मेरा 21st बर्थडे था, 21वां जन्मदिन। एंड मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी कमाई से पहली गाड़ी परचेज करी, रेडी स्कोडा रैपिड, वो मेरी पहली गाड़ी थी, ब्यूटीफुल कार, चमत्कार। देन मैं मेहनत करता गया, मेरा चेक 1 लाख का, 2 लाख का, धीरे धीरे करके फॉरेन ट्रिप्स होने शुरू हुए, यूरोप, सिंगापुर, दुबई, धीरे धीरे कारप्लेन लेवल हुए, कारप्लेन लेवल 1, लेवल 2। फिर मैंने दूसरी गाड़ी परचेज करी, टोयोटा इनोवा, अपनी फैमिली के लिए। देन उसके बाद मेहनत करते गए, धीरे धीरे 3 लाख का चेक, 4 लाख का चेक। एंड गाइस, मेरा फॉरएवर में जो हाईएस्ट चेक रहा है ना, गाइस प्लीज ध्यान से सुनना, शक मत करना, गलती से ये मत सुनना, पैकेज की बात कर रहा हूँ, पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, चेक की बात कर रहा हूँ, 1 महीने के चेक की। जो मेरा हाईएस्ट चेक फॉरएवर से अभी तक कर रहा है वो तकरीबन 5 लाख से भी प्लस कर रहा है 1 महीने का। सनरूफ नहीं थी, इनोवा में भी नहीं थी, तभी ऑडी A6 मैंने परचेज करी है रिसेंटली। लास्ट ईयर में मैंने परचेज किया है। अभी एक और बात हुई, अभी रिसेंटली मैंने रिटर्न भरी, तो मुझे उस बात पर बहुत मान महसूस हुआ। जब मैंने आईटीआर भरी तो मेरे सीए ने मुझे एक बात बोली, कहते जितना आप इनकम टैक्स भरते हो ना, जितना आप इनकम टैक्स भरते हो, हिंदुस्तान के चंद प्रतिशत लोग इतना इनकम टैक्स भरते हैं, कुछ प्रतिशत लोग, तकरीबन 1% लोग इतना इनकम टैक्स भरते हैं। मुझे मान महसूस होता है मैं फॉरएवर का पार्ट हूं। गाइस, क्या इस कामयाबी के रास्ते में चैलेंजेस आए होंगे? आप बताइए, कामयाबी के रास्ते में चैलेंजेस नहीं आते? आते हैं। कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। जब तक बच्चा रोता नहीं ना, मां दूध भी नहीं पिलाती। एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, प्लीज स्टोरी को समझने की कोशिश करना। कहते हैं एक बार जमीन पर लगा पत्थर मूर्ति के पत्थर को भला बुरा बोल रहा था, गालियां दे रहा था, कहता कि लोग मुझ पर पांव रखकर चले जाते हैं, तुझ पर जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, तेरी पूजा करते हैं, कहते तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, ऐसा भेदभाव क्यों? मूर्ति का पत्थर जवाब देता है, कहता याद कर वो दिन जब हमें पहाड़ से उतारा गया था, एक मूर्तिकार आया था, उसने तुझे देखा, तुझे ठोक कर देखा उसने, तू अकड़ गया, तूने टूटने का नाटक किया, उसने तुझे वहीं रख दिया, उसने मुझे पकड़ा,
मुझे ठोक कर देखा, मैं अकड़ा नहीं, वो मुझे अपने साथ ले गया। कितने घंटे मैंने उसकी छेनी का, हथौड़े की चोट सही, कितने तरह के बारिश धूप सही। कहते आज तो तू देख रहे कि लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, तुझ पर पांव रख रहे हैं। कहते लेकिन वो जितनी चोटें मुझे देता रहा, मैं वो सब चोटें तब तक सहता रहा जब तक मैं मूर्ति ना बन गया। अरे कहते एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, एक पत्थर चोट खाकर शंकर शंकर हो गया। थोड़े थोड़े चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं। मुझे ना लोग बोलते हैं नेगेटिविटी, अरे यार नेगेटिविटी का कारण क्या, कभी सोचे नेगेटिविटी का रीजन क्या है? नेगेटिविटी का रीजन मैं बताता हूं। नेगेटिविटी का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? हमें ना बचपन से लेकर आज तक बहाने बनाने सिखाए जाते हैं। एक्सक्यूजेस, मेरी भी ना छोटी सी भतीजी है, एक दिन ना वो ड्राइंग रूम में खेल रही थी, वो भाग रही थी, भागते भागते वो उसकी टेबल लगी, वो गिर गई, उसके खून आने लग गया। तो मम्मा गंदी टेबल, टेबल को गंदा कहने लग गई। उसमें ये बताओ ना कि ड्राइंग रूम खेलने की जगह नहीं है, प्लेग्राउंड बने हैं भागने के लिए। बचपन से सिखाया जाता कि कसूर किसी और का है। एक क्लास में 60 बच्चे हैं, टीचर सेम, स्कूल सेम, पढ़ाई सेम, सिलेबस सेम, कई बच्चे पास हो गए, कई बच्चे फेल हो गए। जो बच्चे पास हुए उन्होंने मेहनत की, लेकिन जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो घर पे आके क्या बोलते हैं? पेपर ही पारू आया जी का, टीचर ने मेनू नहीं पढ़ाया। होता है ऐसे। गाइस, मेरे सीनियर्स ने मुझे एक बात बता दी थी, रोहित कामयाबी का रास्ता अलग, बहानों का रास्ता अलग, ये कभी इकट्ठे नहीं बनते। या तो आप कामयाबी बना सकते हो या बहाने बना सकते हो। और एक टिप और देना चाहूंगा आपको, इफ यू आर इन फॉर एवर इट वॉन्ट वर्क, द फॉर एवर हैज टू बी इन यू। अगर आप फॉर एवर में हैं, नहीं बात बनेगी। इस स्टेज पर आना चाहते हो तो फॉर एवर आप में बोलनी चाहिए, फॉर एवर में आप नहीं, फॉर एवर आप में होनी चाहिए। लास्ट में टारगेट्स की बात करते हैं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अभी रिसेंटली मेरा एक टारगेट है कि मैं अपने चेक को 10 लाख पर लेकर जाने वाला हूं बहुत जल्द, 10 लाख रुपीज पर मंथ, छोटी सी अमाउंट है, बहुत छोटी सी अमाउंट है। एंड मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि मैं, मेरी टीम में जितने भी मैनेजर्स हैं, मेरी टीम में जितने भी मेरे से टीम पार्टनर्स हैं, मेरा चेक 10 लाख का हो लेकिन उनका चेक मेरे चेक से भी बड़ा हो, उनका चेक मेरे चेक से भी बड़ा हो। एक और टारगेट है, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए होगा। क्या बोलते हैं? Yes. इतनी सी ऐसे नहीं बोलेंगे, मैं पहले भी बोलता था वो टारगेट, अब भी बोलना चाहता हूं, क्या बोल दें? Yes. जी हाँ दोस्तों, इतनी मेहनत करने वाले हैं, एक वक्त आएगा फॉरएवर को इस मुकाम पर ले जाएंगे। एक वक्त आएगा, एक बाप अपने बच्चे का रिश्ता करने से पहले एक सवाल जरूर पूछेगा कि क्या आपका बच्चा फॉरएवर करता है? भाई, एक शहर में ना जो सबसे लग्जूरियस गाड़ी होगी ना, सबसे बड़ी शानदार गाड़ी होगी ना, उसके पीछे एक लाइन लिखी होगी, आई एम फॉरएवर। रिश्तेदार पूछेंगे, कहेंगे तूने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर दी, क्या किया तूने? एक ही जवाब देंगे हम, आई एम फॉरएवर। कई डोनेशंस होंगी, बहुत बड़ी बड़ी डोनेशंस होंगी, लोग पूछेंगे इतनी बड़ी डोनेशंस कौन कर गया? लोग बोलेंगे अरे यार उसने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन एक लाइन बोल कर गया, आई एम फॉरएवर। अपने घर वालों को सपनों के लिए मेहनत करें, अपने ड्रीम्स के लिए काम करें। My name is Rohit Gupta. I'm a self-made crorepati and I am forever. Thank you.